तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो चलिए, मैं डॉक्टर एस के सिन्हा आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, शीट इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यह एनिलीन पर लागू होता है। यह आपका है एनिलीन, ठीक है, और साइड में आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यह सिर्फ एनिलीन, कौन ज्यादा बेसिक होगा? प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जाके कहां अटैच होगा? ज्यादा तो एमिनो ग्रुप के पास लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटोनेशन तो वहां हो सकता है, होगा ही, लेकिन ज्यादा प्रोटॉन कहां जुटेगा? जो ज्यादा, जो एनिलीन प्रोटॉन को ज्यादा खींचेगा, प्रोटॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, वह ज्यादा बेसिक होगा। तो कोई भी आदमी कहेगा कि सर यह ज्यादा बेसिक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है ना, यह इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए यह ज्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, ज्यादा बेसिक किया है, क्यों? यहां स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक हिंड्रेंस के द्वारा रुकावट है प्रोटॉन को वहां पहुंचने से। प्रोटॉन यहां पहुंचेगा तो मिथाइल क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, प्रोटॉन को वहां पहुंचने नहीं देगा। ये आपका मोर बेसिक होगा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये लॉन्ग पर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यह जब प्रोटॉन लेगा ऐसा हो जाएगा, यह प्रोटॉन को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहां पर आपका मिथाइल भी है, ये मिथाइल क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मिथाइल और यहां NH3 प्लस में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यह क्या होगा? डीस्टेबिलाइज्ड होगा। इसलिए यहां पर प्रोटोनेशन ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा कि एनिलीन इज मोर बेसिक देन ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। ऑर्थो मिथाइल एनिलीन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं यहां दूं, यह क्या पिरिडीन है, यहां पर मैं लगा देता हूं तो क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहां सी है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, सी है CH3 CH3 CH3, यहां भी यह टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यह सिर्फ पिरिडीन है, ठीक है ना? पिरिडीन क्या है आप जानते हो? बेंजीन में कोई भी कार्बन हट करके वहां हेट्रो एटम आ जाएगा, सपोज नाइट्रोजन आ जाए तो वह पिरिडीन का जाएगा, तो पिरिडीन तो बेसिक होगा। पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह बेसिक होगा, क्योंकि लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कोऑर्डिनेट करेगा।
यहाँ पर वो टर्शियरी विचार ग्रुप जो है, क्या सोचोगे ये पंप करेगा तो लॉन्ग टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी उपलब्धता बढ़ जाएगा, इसलिए यह ज्यादा बेसिक हो। लेकिन नहीं, ये फिर भी ज्यादा बेसिक हो, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ये पिरिडीन है, यहां पर लॉन्ग टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि एच प्लस को यह दे देता है तो ऐसा हो जाएगा, और साइड में यदि टर्शियरी मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ लगा हुआ है, यह इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां होगा, इसलिए ये क्या होगा, डी स्टेबिलाइज होगा। इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ के निर्धारण में शिप इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंपटीशन में बहुत इस तरह के क्वेश्चन, पेच फंसाने वाला क्वेश्चन देते रहता है। इस तरह से आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसे आप अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।